सर लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ हॉस्टल के इतने बच्चे थे जिन्हें उनसे परेशानी थी, तो फाइनली रजिस्ट्रार सर ने हमारी कंप्लेंट ले ली है और वो बोल रहे हैं कि जल्दी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के 11:30 बज चुके हैं और हमारे कुणाल भाई अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि गाइस रात को वीडियो एडिट करने में काफ़ी समय लग गया था। आई थिंक 4:30 बज गए थे, तो जो 4:30 बजे सोएगा उसे उठने में तो समय लगेगा ही। तो चलिए गाइस, कुणाल भाई को उठाते हैं। कुणाल भाई उठ जाइए, चलिए फिर सो लीजिए, मिस भी जाना है क्योंकि 11:30 से मिस का टाइम हो जाता है। तो चलिए गाइस जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं, फ्रेश होकर नहा के फिर चलते हैं मिस की तरफ और मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, मिस का टाइम हो रहा है और हमें अब खाना खाने भी जाना है क्योंकि 2 दिन से हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भूख भी लगी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे मिस में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो फाइनली आज हमारी फीस कंप्लीट हो गई है, कंप्लीटली पे हो गई है फर्स्ट सेमेस्टर की। फीस तो हम पहले ही पे कर दिए थे बट कुछ ऑनलाइन पेमेंट के इशूज थे जिसकी वजह से फीस हमारी पूरी पे नहीं हो पाई थी, तो अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पूरी पे हो चुकी है। और देखिए आज गाइस, आज बहुत ही मतलब खिलखिलाती हुई धूप हुई है, 2-3 दिन से धूप नहीं हो रही थी तो आज धूप काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलते हैं गाइस हॉस्टल की तरफ, मिलते हैं आपसे शाम को। तो यार आज कुछ पंगा हो गया है, हम जब फीस पे करके वापस अपने हॉस्टल आ रहे थे तो वार्डन सर के ऑफिस में जो मेंटेनेंस मैनेजर हैं वो बैठे हुए थे, तो हमें कंप्लेंट करनी थी बेसिकली गाइस, जो हमारा बोर्ड है ये, इस बोर्ड में कुछ वायरिंग का डिसअरेंजमेंट हुआ है, वो पहले से ही है जिसका हमें पता चला है। जब भी हम अपना लैपटॉप चार्ज लगाते हैं या फिर कोई भी इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाते हैं या कोई भी मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ लगाते हैं तो पता नहीं क्यों जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं और हम नंगे पाँव रहते हैं या फिर कोई भी हम लोहे की चीज़ लाइक ये जो हमारा बेड देख सकते हैं ये लोहे का है, तो अगर वो कहीं से भी अगर अर्थिंग पाती है तो बहुत तगड़ा करंट मारती है। ये चीज़ हम बहुत दिन से देख रहे थे लेकिन कल हमें जब हम चाय बना रहे थे उस टाइम हमें थोड़ा करंट लगा था और थोड़ा जोर के करंट लगा था, तो हम इसी चीज़ की कंप्लेंट करने गए थे वार्डन सर के ऑफिस में, तो वहाँ पे वो मेंटेनेंस मैनेजर भी बैठे थे। तो हमने कंप्लेन खैर 2 दिन पहले ही कर दी थी, तो सर बोले थे अभी जो मतलब यहाँ के इलेक्ट्रीशियन हैं उनकी तबीयत खराब चल रही है तो अभी वो जब ठीक होंगे तो हम करवा देंगे, तो अभी तक नहीं हुआ था तो हम सोचे कि फिर से एक बार बोल दें। तो वो वहाँ पे मतलब बहुत ही अपने अलग ही लेवल के एटीट्यूड में कह रहे हैं कि तूने रजिस्टर में लिखा ये किया वो किया। अब ये सुन के यार अगर हम कुछ कंप्लेंट के लिए गए आपके पास तो आप अच्छे लेवल पे हैं, आप ऊंचे लेवल पे हैं, अच्छी बात है, हमें इसकी खुशी है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे। अब मिसबिहेव करने का आपका हक किसी ने नहीं दिया है, किसी के साथ भी। अब हमने उन्होंने 1-2 बार ऐसे कुछ मिसबिहेव किया, तू तड़ाम मतलब इसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे हमसे, तो हमने 1-2 बार ठीक उनको इग्नोर किया कि हमसे बड़े हैं उनकी। तो देख सकते हैं कितना बावलने के बाद हमारे भैया आ गए हैं और ये लाइट ठीक कर रहे हैं, तो वो सही बात है यार, जब तक कुछ हंगामा ना हो तब तक कुछ काम होता नहीं है। तो ये भैया अब आ गए हैं और ये सब कुछ सही कर देंगे और ये जो इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं सब सही हो जाएंगे। थैंक यू गाइस। गाइस लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट यहाँ पे है, वो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सॉकेट जो है टूटा हुआ है, ये बता रहे हैं कि इसी वजह से हमारे रूम में ये इलेक्ट्रिक इशू आ रहा है। तो अभी वो बोले हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनसे कोई सीनियर इलेक्ट्रिशियन आएंगे तो वो इसको रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस अभी हम ये आप जो हम बात कर रहे थे वो बात करते हैं। तो हमने उनसे जाके सर से नॉर्मली कहा कि सर ये कंप्लेंट करानी है, तो वो लगे हमसे तुम तमाम करने के, तू एप्लीकेशन लिखा ये किया वो किया। अब मुझे भी पूरी बात याद नहीं आ रही है लेकिन उन्होंने मतलब कुछ ऐसे ही मिसबिहेव करके बोला था, तो मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो गाइस जाने दो। तो गाइस मैं आपसे बात कर रहा था, वो उसी बीच आ गए थे लोग इलेक्ट्रिक का वो सब फॉल्ट देखने। तो गाइस हुआ कुछ यूँ था कि मैं उनसे बोला कि सर कुछ ऐसे ऐसे फॉल्ट है सही करवा दीजिए, तो उन्होंने कुछ बहुत ही मतलब गंदे तरीके से बोला कि तू या फिर तड़ाम ऐसे कुछ तुम तड़ाम के लैंग्वेज बोला कि पहले ये रजिस्टर में लिख ये वो। तो मतलब मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया कि अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं तो थोड़ा प्यार से बोलिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, लेकिन मैंने सोचा कि यार हमसे बड़े हैं जान दो छोड़ो हो गया। मैंने 1-2 बार उनकी बातों को इग्नोर किया लेकिन फिर जब सब कुछ हो गया, अब काफ़ी मुझे गुस्सा तो खैर आ ही रहा था उन्होंने मतलब इतना बदतमीजी से बात की, तो फिर उन्होंने सब कुछ करके मुझे एक रजिस्टर दिया, बोला कि इसमें अपनी कंप्लेंट लिखो। तो मैं लिखने वाला था कि द बोर्ड्स नहीं मैं लिखने वाला था द वायरिंग ऑफ माई रूम इज़ नॉट ओके, देयर इज सम मिस अरेंजमेंट इन वायरिंग सो काइंडली रिजॉल्व इट, मैं ये लिखने वाला था। तो मैंने जैसे द लिखा तो वो कह रहे हैं ये था क्या लिख रहा है,
अब इन्होंने इस तरीके से बोला कि मुझे मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तुरंत ही उनसे लड़ गया कि सर आप ये कैसे बात कर रहे हैं, आप ही लिख दीजिए। हाँ तो खैर फिर मतलब इसी बात पे बात बढ़ गई कि आप अगर मतलब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोला कि अगर आप DM हैं अपने लिए हैं, मेरे लिए नहीं है, अगर आप मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, उसको रिजॉल्व करिए, नहीं करना कल हमसे नहीं होगा, हम कहीं और जाके बात कर लेंगे, रजिस्ट्रार से बात कर लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने लगा तुम तराम करने, मुझे गुस्सा आ गया, मैं इसी बात भड़क गया कि आप तमीज से बात करना सीख लीजिए, आप किसी अगर लेवल पे हैं तो उसकी थोड़ी इज्जत कीजिए ताकि हम भी उसकी उस लेवल की आपकी इज्जत कर सकें। अब वो लगे हमसे तुम तराम करने, इसी बात काफ़ी बात आगे बढ़ गई। फिर हमारे वार्डन सर मतलब फिर बोले कि चांद हटाओ, वो मैं पकड़ के हमारे रूम में ले आए, और बस अब हम अब लेकिन ये चीज़ हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो गाइस अभी हम उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन लिख के रजिस्ट्रार को देने वाले हैं, क्योंकि और भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब अभी मुझे मेरे रूम में आए थे, बता रहे थे कि हाँ हमारे साथ भी उन्होंने ऐसे मिसबिहेव किया था। तो अभी हम एप्लीकेशन लिख के और फिर उनसे भी साइन लेके जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। तो चलिए गाइस लिखते हैं एप्लीकेशन। फाइनली भैया ने ये जो इलेक्ट्रिकल इशू था इसे सही कर दिया है और अभी ये इसका टेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस थैंक यू अंकल जी, थैंक यू भैया। तो चलिए गाइस हमने लगभग लगभग एप्लीकेशन भी अब लिख लिया है, तो एप्लीकेशन लिख के फटाक से चलते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस। आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन लिख चुका है और अभी हम जा रहे हैं रजिस्ट्रार सर के पास। पीछे सब लोग जितने लोग दिख रहे हैं आपको, सब लोग भी रजिस्ट्रार सर के पास जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि सब भी कंप्लेंट थे उनके अगेंस्ट। तो चलिए गाइस चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ हॉस्टल के इतने बच्चे थे जिन्हें उनसे परेशानी थी, तो फाइनली रजिस्ट्रार सर ने हमारी कंप्लेंट ले ली है और वो बोले हैं कि जल्दी हम इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं फिर हॉस्टल की तरफ। आज तो उन्होंने मैनेजर सर ने हमारा मूड ही पूरा ऑफ कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बच्चे उनसे परेशान थे और भी सिर्फ इन्हें पता चला है कि ACC कंप्लेंट हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि अगर पूरे हॉस्टल पता चलता कि ACC कंप्लेंट है तो पूरा हॉस्टल ही चलाता कि भाई ACC कंप्लेंट हो रही है और चलो हम भी कंप्लेंट करते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे हॉस्टल में। तो गाइस आज आप लोगों ने देखा है क्या बवाल हो गया, तो आज का ब्लॉगिंग खत्म करते हैं, मिलते हैं आप कुछ के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।